नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नारायण टेक्निकल एंड कैरियर में। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए आ रही है जिन अभ्यर्थियों की एज ओवर हो जाने के कारण वह 2018 पुलिस भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाए थे। ऐसी बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है दोस्तों। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म भरने का आदेश जारी किया है। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं कि ये लिखा हुआ है उसमें ऊपर, सिपाही भर्ती में 2018 में ओवर एज लोगों को भी मिलेगा मौका। लखनऊ से ये खबर आई हुई है दोस्तों। इस पर लिखा हुआ, वर्ष 2017 में भर्ती न मिलने से ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार सिपाही भर्ती में शामिल होने का मौका देगी। दरअसल 2017 में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगले 4 सालों में वैकेंसी निकालकर 1,20,000 सिपाहियों के पद भरे जाएंगे, लेकिन 2017 में वैकेंसी नहीं निकल सकी। 14 जनवरी 2018 को वैकेंसी निकाली गई, जिसमें निर्धारित आयु के लिए कट ऑफ 1 जुलाई 2018 तय किया गया। ऐसे में 1 जुलाई 2017 को अर्हता पूरी करने वाले काफ़ी इच्छुक अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल सका। यह अभ्यर्थी पहले हाई कोर्ट गए, जहां इन्हें राहत ना मिल पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अगली भर्ती में मौका देने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि 30,000 पदों के लिए इस वर्ष के अंत तक या 2019 की शुरुआत में वैकेंसी निकालेगी, जिसमें इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का